अगर हमारे शैतान हमारी परीक्षा अगर करने के लिए आएगा, तो भाई और बहनों हम वचन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना में बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उपवास रह के अगर प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों आप शैतान से कभी भी नहीं हारेंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए गया। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि कि उसे शर्मिंदा करके वापस भेज दिया। हे भाई और बहनों, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेके नया जन्म पा लेते हैं, तो परीक्षा जो है आपकी और मेरी भी उसी टाइम से जो है शुरू हो जाती है। आम इंसान की जो है परीक्षा नहीं होती है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है उसकी परीक्षा नहीं होती है, जो वचन को नहीं सुनता है, वचन को नहीं मानता है उसकी परीक्षा नहीं होती है। हे भाई और बहनों, अगर मसीह के घर में आप पैदा हुए हो, अगर मसीह फैमिली में हो आप, अगर मसीह के घर में माना जाना है आपका, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, नया जन्म नहीं लिया है, तो आपकी भी परीक्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, ये ना सोचना कि जब हम बपतिस्मा ले लेंगे और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पालेंगे तो शायद हमारी परीक्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, हमारी परीक्षा जो है तभी स्टार्ट होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह की राह पे हम चलना शुरू करेंगे तभी हमारी जो है परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आके बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आके सेवा शुरू की, तो भाई और बहनों शैतान तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। वैसे ही आप और मेरी भी परीक्षा तब नहीं होती है जब हम दुनियादारी में होते हैं, दुनियादारी के लोगों में होते हैं। हमारी और आपकी भी परीक्षा तब शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, पापों की माफ़ी मांगते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेके जब बाहर पैर कदम रखते हैं, तो भाई और बहनों शैतान भी बाहर खड़ के इंतज़ार करता है, अब इसकी मैं परीक्षा करूँगा और अब इसे विश्वास में पीछे नीचे गिरा दूंगा। हे भाई और बहनों, अगर हमें आत्मा में शैतान से हमें जीतना है, तो भाई और बहनों सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें उपवास रह के प्रार्थना करनी चाहिए। हम उपवास में रह के अगर प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों आम प्रार्थना में भी ताकत है, बल है, लेकिन अगर हम उपवास की प्रार्थना के साथ हम उपवास से हम रह के प्रार्थना करेंगे, तो भाई और बहनों उपवास की प्रार्थना जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उपवास की प्रार्थना जब हम करते हैं, शैतान हमारे पास आने से भी डरता है और हमें परीक्षा करने से भी डर जाएगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और उपवास किया। सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात तक उपवास करते रहे ताकि वो शैतान को हरा सके, सुसमाचार को सही रीति से प्रचार कर सके और अपनी आत्मा को और भी उन्नति कर सके। हे भाई और बहनों, हमारी आत्मा की उन्नति कैसा हो सकती है? सिर्फ उपवास प्रार्थना के साथ ही हो सकती है। वचन पढ़ने से हो सकती है हमारी उन्नति, बाइबल पढ़ने से हो सकती है हमारी उन्नति, चर्च में जाने से हमारी उन्नति हो सकती है, प्रार्थना सभाओं में बैठने से भी उन्नति हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के सामने हमारी उन्नति होगी, लेकिन अगर हम आत्मा में हम अगर खुद उन्नति पाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई और बहनों उपवास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। है भाई और बहनों, अगर आप बीमार हैं, अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो उपवास की प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको छू के चंगाई देगा। हे भाई और बहनों, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो तो आपको नहीं मिल रही है जॉब, तो उपवास रह के प्रार्थना करो, जरूर आपको जॉब मिल जाएगी। हे भाई और बहनों,
अगर आपके घर में कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उद्धार नहीं पाया है, तो भाई और बहनों आम प्रार्थना करते हो बहुत अच्छी बात है, उपवास रह के अगर प्रार्थना करोगे तो भाई और बहनों जरूर सब कुछ सफल हो जाएगा। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, परमेश्वर के घर में मंदिर में नहीं आते हैं, तो भाई और बहनों उपवास रह के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हर एक काम को जो है सफल करेगा। बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर कहता है उपवास रह के प्रार्थना करो तो सारे काम जो है सफल हो जाएंगे। हे भाई और बहनों,